अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इफ्तिखार हाशमी। आज आपके लिए बड़ी अहम खबरें लेके हाजिर हुआ हूँ। आज एक मीटिंग हुई है स्टीयरिंग कमेटी सिंध की, उसमें उन्होंने इम्तहानात के मुतल्लिक बड़े अहम फैसले किए हैं। आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन ख़त्म की है और स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल होंगे कि नहीं होंगे और इम्तहानात जो हैं वो क्या किस पैटर्न से होंगे। तो पैटर्न का डिसीजन तो पहले हो चुका था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है कि आपके जो पेपर हैं वो 50% उसमें एमसीक्यूज होंगे, 30% जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 20% जो है वो डिटेल क्वेश्चन होंगे। वही पैटर्न है जो जिस तरीके से उन्होंने मॉडल पेपर भेजा था, उसी मॉडल पेपर से ही, उसी पैटर्न से ही आपने तैयारी करनी है। जो सबसे अहम खबर है कि इम्तहान शुरू कब होंगे, तो क्लास 10 एग्जामिनेशन विल बी स्टार्टेड फ्राम 5 जुलाई 2020। जो 5 जुलाई से 10वीं क्लास के पेपर शुरू होंगे और क्लास 9 एग्जामिनेशन विल बी स्टार्टेड इन जुलाई आफ्टर क्लास 10 एग्जामिनेशन। जो 10वीं वालों के इम्तहान ख़त्म होंगे उसके बाद 9वीं के पेपर शुरू होंगे और क्लास 12 एग्जामिनेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 28 जुलाई। 12वीं क्लास के जो पेपर हैं वो 28 जुलाई से शुरू होंगे और जब 12वीं क्लास के पेपर ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद 11वीं क्लास के पेपर होंगे। और सबसे बड़ी खबर, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड आफ्टर थ्योरी एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल पेपर होंगे, ये सिंध गवर्नमेंट का फैसला है। जो फेडरल मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया था उसमें तो उन्होंने ये कहा था कि प्रैक्टिकल नहीं होंगे, लेकिन चूंकि एजुकेशन जो है ये प्रोविंशियल जो है उनका अब अलग से डिसीजन कर सकते हैं कोई भी प्रोविंस, तो सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जो थ्योरी एग्ज़ाम के बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होंगे और ओनली ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी कन्फ्यूजन है कि जी पता नहीं लाजमी सब्जेक्ट्स जो है इंग्लिश की तैयारी करनी है कि नहीं, उर्दू की करनी है कि नहीं। भाई इंग्लिश का पेपर नहीं होगा, उर्दू का पेपर नहीं होगा, सिंधी का पेपर नहीं होगा, सिर्फ जो है 10वीं क्लास के बच्चों का सिर्फ फिज़िक्स और मैथ का पेपर होगा और जो 9वीं क्लास के बच्चे हैं उनका फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री और बायो और कंप्यूटर, जिन्होंने बायो रखी उनका बायो का होगा, जिन्होंने कंप्यूटर रखा उनका कंप्यूटर होगा। इसका मतलब है 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनका सिर्फ 4 सब्जेक्ट का पेपर होगा और जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनका सिर्फ 2 सब्जेक्ट के पेपर होंगे, फिज़िक्स और मैथ। ये क्लियर है। हाँ, प्रैक्टिकल के मुतल्लिक अभी फैसला हुआ है कि प्रैक्टिकल आपके होंगे, तो ये तो आपके लिए बड़ा अच्छा फैसला हुआ है। प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल जाते हैं। अगर प्रैक्टिकल के आपका पेपर ना होता तो फिर उन्होंने आपको नंबर देने थे आपके जो थ्योरी के उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलने थे, तो अब आपके लिए अच्छा ये फैसला हुआ है कि प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल में नंबर तो बहुत अच्छे वैसे भी मिल जाते हैं। और उसके बाद एक बड़ी खबर है कि इफ़ समवन फेल्ड इन ऑप्शनल सब्जेक्ट देन ही विल बी गिवन पासिंग मार्क। ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर आप कोई फेल भी हो जाता है तो उसको भी पासिंग मार्क दे के गवर्नमेंट पास कर देगी। एग्जामिनेशन डेट्स ऑफ द क्लास 1 to 8 विल बी डिसाइडेड बाई द स्कूल। हाँ, जो 1 से लेके 8 तक बच्चे हैं वो स्कूल वालों का अपना स्वाबदीदी अख्तियार है, तो उनके उनसे पेपर वो कब लेते हैं। जो छुट्टियां हैं गर्मियों की इस दफ़ा वो नहीं होंगी, जुलाई की छुट्टियां नहीं होंगी, पेपर होंगे। तो ये बड़े अहम जो हैं वो ख़बरें थी, तो मैंने कहा आपको अपडेट कर दूँ। इसके अलावा जो आप मेरे चैनल पे जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सॉल्व मॉडल पेपर मौजूद हैं। सेक्शन ए तमाम सब्जेक्ट का मैंने सॉल्व कर दिया, सेक्शन बी और सेक्शन सी भी सॉल्व कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला कल जो है वो फिज़िक्स के सेक्शन सी की वीडियो आ जाएगी। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।